दुनिया में पवित्र माह रमजान के रोजे रखे गए हैं। हर कोई रोजे रखकर ईद मना रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण होता है ये माह रमजान का महीना और कैसे मनाए ईद का त्यौहार, आइए पेश है इमरान दाऊदी, इनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय मिरेनो ने, आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, एनबीसीएन के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज हम आपको सबसे पहले पवित्र माह रमज़ान की ढेर सारी दिली मुबारकबाद हमारे तमाम दर्शकों को हम देते हैं, ईद की तमाम शुभकामनाएं आपको देते हैं। और अब हम इमरान दाऊदी इनके पास जाते हैं और उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार कितना अपना बड़ा महत्व होता है इन कामकाजों को लेकर, और जो ईद का जो माह होता है, जो ईद जो मनाई जाती है, किस प्रकार से मनाई जाती है और तमाम बातें आइए उनसे जानना चाहेंगे। इमरान दाऊदी साहब, ये बताएं कि जिस तरह से जो ईद पवित्र माह रमज़ान के जो रोज़े लोगों ने रखा है, क्या कहना चाहेंगे, ये जो कामकाज है कितना महत्वपूर्ण होता है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आपका। ये ईद जो है ये मुसलमान का सबसे बड़ा, एक तरह से हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाते हैं और इसमें 30 दिनों तक के लिए रोज़ा रखा जाता है और 7 साल से ऊपर के बच्चों पे जो भी हैं उन पे फ़र्ज माना जाता है। और ये बहुत ही रहमत और बरकत वाला महीना मुसलमान भाइयों में, हम लोगों में ये माना जाता है। और इस महीने हम लोग इबादत करते हैं और जो भी अपने हक के पैसे हैं या जो गरीब हैं या जो आपके जिनके पास वो कुछ नहीं है, दान ज़कात और फितरे के तौर पे हम लोग ये करते हैं। उसके अलावे इसमें भी जिस तरह से है, एक तरह से ये पैगाम भी देता है भाईचारे का, अमन का, शांति का। और इसमें अपने को जो भी है, एक तरह से आपके आत्म की शुद्धि होती है जिस तरह से आप ये रखते, रोज़ा रखते हैं सवेरे से शाम, सहरी करना, अफ्तार करना, उस बीच का जो 12-14 घंटे का स्लॉट रहता है, तो एक तरह से आपकी आत्मशुद्धि भी होती है। या फिर आप अपने आप को अपने ईश्वर या अल्लाह से आप जिस तरह से इबादत करते हैं तो इस हिसाब से आपका एक तरह से वो डिटॉक्सिफाई, जिसको बोलते हैं साइंटिफिकली भी बोलिए तो इस तरीका का है, नमाज अदा करते हैं, बॉडी के एक्सरसाइज होता है, उस तरह से आपके हेल्थ का भी और आपकी आत्मशुद्धि भी होती है। बिल्कुल, आत्मशुद्धि होना ये तो समय की बात है और होना भी चाहिए, हर किसी में होना चाहिए। लेकिन एक तरफ कोरोना, एक तरफ भूखमरी, एक तरफ महंगाई और एक तरफ शहर का जो रूप है वो इस कदर है कि कोरोना की पूरी छाया में है, ऐसे में ईद मनाना, ये प्रोग्राम करना, क्या लोगों में जो उत्साह है वो किस प्रकार का होगा? अभी तो जिस तरह से ये पिछले साल भी जो भी अपना ईद और ये रमज़ान बीता वो लॉकडाउन में ही बीता, कोरोना उस समय बीता और इस समय तो और भयंकर रूप लेके आया है। तो इस हिसाब से तो सबसे बड़ी अभी हम लोग के जो देश पे जो मुसीबत है, इसके लिए हम लोग को एक साथ मिलके जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए और सभी मुसलमान और जो भी हैं नॉन मुस्लिम्स भी हैं वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग घर पे ही नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिद कोई नहीं जा रहे, भीड़ नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। और अपने को तो सबसे पहले यही पैगाम देना है कि पहले, सबसे पहले अपना देश है। जिस तरह से लोग मर रहे हैं, गरीब के पास कुछ नहीं रहा है, रोज़गार नहीं रहा है, तो हम लोग तो ईद सादगी से ही मना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो नए कपड़े से ज़्यादा कफन बिक गए हैं, तो उसमें कोई खुशी मनाने के कोई औचित्य रहता ही नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम लोग के लिए राष्ट्र है, देश है और हम लोग सरकार का जो भी गाइडलाइंस है या जो भी नॉर्म्स है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं और ईद सादगी के साथ मनाना चाहते हैं। और मैं अपने लोगों को या अपने मुस्लिम भाइयों को ये भी कहना चाहूँगा कि वो घर से ही रह के नमाज़ अदा करें, सादगी से ईद मनाए और ज़्यादा लोगों के बीच इंटरेक्ट नहीं करें और जो भी है उसको सोशल डिस्टेंस का पालन करें। काफ़ी अच्छी जानकारी इस समय में इमरान दाऊदी इन्होंने दी है और इनका ये कहना है, मानना है कि हर किसी को अपने जीवन में शुद्धता रखना चाहिए, उसके लिए जो आचार विचार, जो कामकाज होते हैं उस पर अच्छे से अमल किया जाए। और पवित्र माह रमज़ान का ये जो माह है ये बहुत ही पाक साफ है और ईद आने के लोगों में खुशियां होती है। खैर, एक तरफ कोरोना की वजह से लोग भले ही मना न रहे हो या कम पैमाने पे भी मना रहे हो, लेकिन उनके हर खुशी में पूरे देश की खुशी है। और ईद की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन मीनाज खान के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।